हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे, तो चलिए बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड सर्कुलर पाथ टाइप में है, तो यहाँ पे हम एक स्पोर्ट्स फील्ड बना लिए जो कि सर्क्यूलर पाथ टाइप में है। आगे लिखा गया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस स्पोर्ट्स फील्ड को एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट का समय लगाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोनिया लिख के 18 मिनट लिख दिए, ताकि आगे क्वेश्चन जब बनाए तो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। उसके बाद लिखा गया है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि इसी स्पोर्ट्स फील्ड को पूरा करने में, एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट का समय लगाता है। तो रवि का कितना समय लगा? 12 मिनट। ठीक है, सोनिया का 18 मिनट, रवि का 12 मिनट। आगे क्वेश्चन है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करे कि दोनों एक ही पॉइंट से ड्राइव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसी पॉइंट से दोनों ड्राइव करना स्टार्ट करता है एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे। ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों ड्राइव करना स्टार्ट करता है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन पे इधर जाता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन, इधर दोनों इस डायरेक्शन पे ये लोग जा रहा है, ड्राइव कर रहा है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन है कि कितने समय के बाद ये लोग, कितने मिनट्स के बाद ये दोनों दोबारा इस जगह पे मिल पाएंगे, दोबारा इस जगह पे दोनों कितने समय के बाद मिल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सोनिया का 18 मिनट है, तो इसका टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका स्पीड थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, मान के चले रवि 12 मिनट में यहाँ आ जाता है। ठीक है, रवि को, रवि जो है पहले राउंड पूरा करेगा, क्योंकि इसका समय कम है, तो एक राउंड पूरा करने में रवि तुरंत आ गया। अब सोनिया थोड़ी पीछे रह गई, क्योंकि इसका समय ज़्यादा है। तो दोबारा यहाँ पे कब आएगा, इसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम क्यों फाइंड करेंगे, इसका एक रीज़न भी मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ। मान के चले ये रवि है, रवि को यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, रवि को कितना समय लगा? 12 मिनट, एक राउंड, एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट। जब ये दूसरा राउंड पूरा करेगा तो फिर से 12 मिनट लगेगा, यानी कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा राउंड जब पूरा करेगा तो फिर से 12 मिनट लगेगा, फिर से लगेगा कितना? 36। 12 का टेबल हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते रह जाएगा, 48 होगा, फिर आगे कुछ होगा। उसी तरह से अब सोनिया का पहला राउंड में कितना है? 18। ठीक है, पहला राउंड पूरा की तो 18, दूसरा राउंड जब यहाँ पे आएगी तो फिर से 18 मिनट लगेगा, 18 टू 36। फिर तीसरा बार जब ये पूरा करेगी तो 54, फिर इसके बाद चौथा राउंड जब पूरा करेगी तो 72। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर 54 है, कहीं ना कहीं एक वैल्यू आप लोग को जरूर मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों का वैल्यू मिल जाएगा, और जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जो भी वैल्यू मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स मेथड से ये हम लोग एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को लिस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल्स मेथड नहीं लगाना है, ये बस मैं समझा रहा था कि एलसीएम क्यों निकालेंगे। ठीक है, ये बस समझा रहा था कि हमको एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ रहा है ना, अगर दोनों का राउंड अगर सेम कर रहे हैं तो कितने समय के बाद हो रहा है, तो हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसमें एलसीएम फाइंड करते हैं। तो चलिए एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं दो नंबर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इस मेथड से नहीं फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम लोग को किसका किसका फैक्टर करना होगा? 18 का, 18 का और 12 का। तो इसका फैक्टर कर ले, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। 18 का जब फैक्टर किए तो आया 2 3 3, 12 का कितना आया? तो 2 2 3। अब हम लोग को निकालना क्या है? एलसीएम। तो जो मिलेगा उसको लेंगे, ये दोनों मिल गया, इसको ले लिए, ये दोनों मिला, इसको ले लिए, और 3 और 2 बच गया, इसको उतार दिए। अब इन दोनों मल्टी, इन सबको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। अभी आपको मैं इस मेथड से भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 36 आया था, यहाँ पर भी 36 आया था, तो आप देखिए 36 दोनों का सेम आया, यानी कि आंसर देखिए 36 निकला हुआ है ना। सबसे लोवेस्ट, सबसे कम
जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये होता है कॉमन मल्टीपल्स मेथड, और ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना। हमको यहाँ पे एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ा था, यहाँ पर भी एलसीएम ही निकाले हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज को बनाते हैं।